अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे का सालन। तो चलिए शुरू करते हैं। कुकर में 4 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम डालेंगे 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 काली मिर्च और 4 लौंग। ये सब अच्छे से चटक गए हैं, अब हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे, ज्यादा ब्राउन मत कीजिए। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, अब हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए। अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है, अब हम डालेंगे 4 मीडियम साइज के टमाटर जिसका छिलका मैंने निकाल लिया है। टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको ढक कर स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, अब हम डालेंगे कुछ मसाले पाउडर जो यूं है के 2 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 मैगी क्यूब जो कि ऑप्शनल है, और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको डालकर अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हम ढक कर स्लो फ्लेम पर तेल छूटने तक पका लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून इमली का पेस्ट। अब हम डालेंगे 400 ग्राम आलू जिसको मैंने धोकर छिलका निकाल लिया है और इसको साफ भी कर लिया है। मैं इस शेप में काटी हूँ आलू को, आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप आलू को काट सकते हो। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 7 और 7 बॉईल किए हुए अंडे जिसको मैंने पहले से बॉईल कर रख लिया है। आलू और अंडे को हम मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और अब हम डालेंगे पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हो। मैं इधर गर्म पानी डाल रही हूँ, आप चाहिए तो नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हो। मैंने ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल दिया है, अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और 4 सीटियां लेंगे। 4 सीटियों के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर का ढक्कन नहीं खोलिए। 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए और बाद में आप कुकर का ढक्कन खोल लीजिए। ये देखिए, मैंने 4 सीटियों के बाद इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। आलू अंडे का सालन बनके तैयार है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी को भी बजा देना। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।